ट्रेवल ऑफ स्टेशन में आपका स्वागत है। और रोज की तरह आज हम एक नए टॉपिक पर आपसे चर्चा करेंगे। आज जो हमारा टॉपिक है वो है तक्षशिला। तक्षशिला को हम दो रूपों में जानते हैं, एक तो तक्षशिला को स्थान के रूप में भी जानते हैं और दूसरा उसके शिक्षा केंद्र के कारण भी जानते हैं। अगर हम तक्षशिला के इतिहास को पलटते हैं तो तक्षशिला प्राचीन भारत में गांधार देश की राजधानी रही है और उस समय ये शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र भी माना जाता था। तक्षशिला का विश्वविद्यालय विश्व के प्राचीनतम विश्वविद्यालयों में शामिल था। इस विश्वविद्यालय में हिंदू और बौद्ध धर्म दोनों धर्म के लोग शिक्षा ग्रहण करते थे। भारत के इतिहास में अगर देखें तो जो चाणक्य थे वो इसी विश्वविद्यालय के आचार्य थे। इस विश्वविद्यालय की ख्याति काफी रही है। और तक्षशिला को अगर आज के समय में देखें तो आज के समय में ये पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के रावलपिंडी जिले की एक तहसील में स्थित है, जो इस्लामाबाद और रावलपिंडी से लगभग 32 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। प्राचीन भारत का ग्रैंड टैंक रोड इसके पास से ही होकर के जाता था। तक्षशिला को 1980 में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था। वर्ष 2010 की एक रिपोर्ट में तक्षशिला को विश्व विरासत फंड ने 12 उन स्थलों में शामिल किया था जो अपूर्णीय क्षति होने के कगार पर हैं। और इस रिपोर्ट में इसका प्रमुख कारण अपर्याप्त प्रबंधन, विकास का दबाव, लूट, युद्ध और संघर्ष आदि बताए जाते हैं। तक्षशिला तक्ष नामक राजा के नाम पर ही जाना जाता था, जिसका संस्कृत में अर्थ होता है तक्ष राजा के लिए या राजा तक्ष के लिए। रामायण के अनुसार तक्ष भरत और मांडवी के पुत्र थे। तक्षशिला आधुनिक तक्षता का प्राचीन नाम माना जाता है। खुदाई होने पर यह नगर रावलपिंडी के पास मिला था। महाभारत काल में अगर देखें तो उस समय ये गांधार क्षेत्र में स्थित था। भरत के पुत्र तक्ष की राजधानी इसी तक्षशिला को मानी जाती है। और ये भी माना जाता है कि जनमेजय ने जो सर्प यज्ञ किया था वो इसी तक्षशिला नामक स्थान पर किया था। तक्षशिला में अपने समय में प्रसिद्ध कूटनीतिक विद्वानों ने शिक्षा ग्रहण किया था। चाणक्य के अलावा गौतम बुद्ध के समकालीन जो शासक थे बिम्बिसार, उनके राज्य वैद्य जीवक जो कि बहुत ही प्रसिद्ध वैद्य थे, उन्होंने भी इसी विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण किया था। आयुर्वेद के महान विद्वान चरक ने भी तक्षशिला विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण किया था। तक्षशिला विश्वविद्यालय के पहले हमें तक्षशिला नामक स्थान के बारे में जानना चाहिए। गांधार की चर्चा अगर हम देखें तो हमें प्राचीन ऋग्वेद में मिलता है, लेकिन तक्षशिला की जानकारी सबसे पहले हमें वाल्मीकि रामायण से होती है। भगवान राम की विजय के उल्लेख के सिलसिले में हमें यह ज्ञात होता है कि उनके छोटे भाई भरत ने अपने नाना जो कि के राज अश्वपति थे, उनके आमंत्रण पर और उनकी सहायता से गंधर्वों के देश गांधार को जीता था और अपने दो पुत्रों को वहां का शासक नियुक्त किया था। गांधार या गंधर्व देश उस समय सिंधु नदी के दोनों तटों पर स्थित था और इस क्षेत्र को उन्होंने अपने दोनों पुत्र तक्ष और पुष्कल को आधा आधा बांटा था। तक्ष के राज्य को तक्षशिला कहा गया और पुष्कल के राज्य को पुष्पकलावती कहा जाता है। तक्षशिला सिंधु नदी के पूर्वी तट पर स्थित था। रघुवंशी क्षत्रिय राजाओं और उनके वंशजों ने तक्षशिला पर कितने समय तक शासन किया इसका कोई इतिहास नहीं मिलता है। कालिदास ने अपने रघुवंश में भी इस बात का उल्लेख किया है। और इसी तरह से तक्षशिला का नाम हम
महाभारत काल में परीक्षित के पुत्र जनमेजय द्वारा विजित नगरी के रूप में भी जानते हैं। इसके बाद अगर देखें तो गौतम बुद्ध के समय गांधार के राजा पुक्कुसाद ने मगध के राजा बिंबिसार के यहाँ अपना एक दूत मंडल भेजा था। इसी प्रकार से छठी शताब्दी ईसा पूर्व फारस के शासक कुरुश ने सिंध प्रदेश पर आक्रमण किया था और वहां पर उनके कुछ उत्तराधिकारियों ने अधिकार किया था। इसके बाद तक्षशिला कुरुश के अधीन चली जाती है और इस प्रकार से लगभग 200 साल तक उस पर फारस का शासन होता है। फिर मकदूनिया के शासक सिकंदर के आक्रमण के समय भी हमें तक्षशिला के बारे में जानकारी मिलती है। जब यूनानी विद्वान स्ट्रेबो ने लिखा है कि ये एक बड़ा नगर था और अच्छी विधियों से शासित था, घनी आबादी वाला नगर था और यहाँ की भूमि काफी उपजाऊ थी। उस समय वहां का शासक बैसेलियस या जिसे कि टैक्सिलीज कहते हैं वो बताया जाता है। उसने सिकंदर के आक्रमण के समय उसे उपहार आदि भेंट करके उसे मित्रता किया था। उसकी मृत्यु के बाद उसका पुत्र आम भी तक्षशिला का शासक बनता है और वो भी सिकंदर का मित्र होता है। सिकंदर के आक्रमण के बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने उत्तर पश्चिमी सीमा क्षेत्रों से सिकंदर के सिपाही सालारों को मार कर बाहर निकाल दिया और इस प्रकार से तक्षशिला पर चंद्रगुप्त मौर्य का अधिकार हो जाता है। बौद्ध ग्रंथों को अगर हम पढ़ते हैं तो चंद्रगुप्त मौर्य के बाद बिंदुसार के शासन काल में तक्षशिला के निवासियों के द्वारा विद्रोह किया जाता है और उस विद्रोह को उसके पुत्र अशोक के द्वारा शांत किया जाता है। अशोक के भी शासन काल में तक्षशिला उनके अधीन होता है और उस समय तक्षशिला उत्तरापथ की राजधानी मानी जाती है। अशोक के बाद उत्तर पश्चिमी भारत में बहुत समय तक राजनीतिक अस्थिरता रहती है। बैक्टीरिया के यूनानी शासक हों चाहे शक हों और इसके बाद पार्थियन और कुषाणों ने तीसरी शताब्दी ईस्वी तक तक्षशिला पर अपना अधिकार बनाए रखा। चौथी शताब्दी में तक्षशिला गुप्त सम्राटों के अधीन चली जाती है और पांचवी शताब्दी में बर्बर हूणों के आक्रमण से तक्षशिला की सारी प्राचीन समृद्ध और सभ्यता का नाश हो जाता है। सातवीं शताब्दी के तृतीय दशक में चीनी यात्री युआन च्वांग ने तक्षशिला को उजड़ा पाया था। उसने अपनी यात्रा के समय क्षेत्र के बारे में अपने लेख में लिखा था कि तक्षशिला उस समय कश्मीर के राजाओं का करद राज था, अर्थात तक्षशिला के लोग कश्मीर के राजा को कर देते थे। इस प्रकार से तक्षशिला पर उस समय कश्मीर के शासकों का अधिकार था। इसके बाद अगले 1200 वर्षों तक हमें तक्षशिला के बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती है। 1200 साल बाद 1863 में जनरल कनिघम ने तक्षशिला को यहाँ के खंडहरों की जांच के बाद खोज निकाला था। उसके बाद 1912 से 1929 तक सर जॉन मार्शल ने इस स्थान पर विस्तृत खुदाई किया और प्रचुर मात्रा में मूल्यवान सामग्रियों को निकाल कर इस नगरी के प्राचीन वैभव और ऐश्वर्य से दुनिया को परिचित कराया। खनन के समय तक्षशिला से तीन प्राचीन नगरों के ध्वंसावशेष मिले थे जिनके आज के नाम भीर का टीला, सिरकप और सिरसुख बताया जाता है। अगर हम भारत के इतिहास में देखें तो पांचवी शताब्दी की जातक कथाओं में इसका उल्लेख मिलता है। बौद्ध धर्म की महायान शाखा का विकास तक्षशिला विश्वविद्यालय में ही होने का हमें उल्लेख प्राप्त होता है, लेकिन महाभारत और रामायण काल में इसके विद्या केंद्र होने की हमें कोई चर्चा नहीं मिलती है। तो इस आधार पर हम ये मानते हैं कि सातवीं शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास ही एक प्रसिद्ध विद्यापीठ रहा होगा। तक्षशिला अपने अनुशासन के लिए काफी प्रसिद्ध था और कई बार राजाओं के लड़के यदि बार बार दोष करते थे तो उनकी पिटाई भी इस विद्यालय में की जाती थी।
वाराणसी के अनेक राजाओं और उनके पुत्रों ने यहाँ से शिक्षा ग्रहण किया। भारत के ज्ञात इतिहास का ये सर्व प्राचीन विश्वविद्यालय रहा है। अगर इसके महत्व को देखें तो कोसल शासक प्रसेनजीत, कुशीनगर के शासक बदुल मल, वैशाली के महाली, मगध शासक बिंबसार के वैद्य जीवक, एक अन्य आयुर्वेद के चिकित्सक कौमार भ्रत, चाणक्य आदि इस महाविद्यालय के छात्र रहे हैं। इस विश्वविद्यालय में राजा और रंक सभी विद्यार्थियों के साथ समान व्यवहार किया जाता था। जातक कथाओं के अध्ययन से पता चलता है कि तक्षशिला में धनुर्वेद, वैदिकी और अन्य विद्याओं की उच्च कोटि की शिक्षा दी जाती थी। यहाँ पर विद्यार्थी 16-17 वर्ष की अवस्था में शिक्षा के लिए प्रवेश करते थे। एक शिक्षक के नियंत्रण में 20 से 25 विद्यार्थी रहते थे। शिक्षकों का निरीक्षण दिशा प्रमुख या आचार्य करता था। तक्षशिला राजनीत और शस्त्र विद्या का एक अत्यंत प्रमुख केंद्र रहा है। यहाँ पर शस्त्र विश्वविद्यालय में विभिन्न राज्यों के 103 राजकुमार पढ़ते थे। तक्षशिला में प्रायः उच्च स्तरीय विद्याओं की पढ़ाई होती थी। दूर से आने वाले बालक यहाँ पर आयुर्वेद, धनुर्वेद, हस्त विद्या, व्याकरण, दर्शन शास्त्र, गणित, ज्योतिष, गणना, सांख्यिकी, वाणिज्य, सर्व विद्या, तंत्र शास्त्र, संगीत, नृत्य, कला, चित्रकला आदि की शिक्षा ग्रहण करते थे। लेकिन अगर इन शिक्षाओं पर देखें तो कर्मकांड की शिक्षा तक्षशिला में नहीं दी जाती थी। कर्मकांड की शिक्षा उस समय वाराणसी में दी जाती थी। तक्षशिला की सबसे प्रमुख विशेषताओं में यहाँ पढ़ाए जाने वाले शास्त्रों में लौकिक शास्त्रों का प्रबंधन सबसे अच्छा माना गया है। विद्वानों की अवधारणा है कि तक्षशिला में उस समय आधुनिक महाविद्यालय या विश्वविद्यालय जैसा संगठित संस्था नहीं थी, बल्कि वो उस समय विद्या का केंद्र था। अलग अलग छोटे छोटे गुरुकुल होने के कारण व्यक्तिगत रूप से आचार्यों द्वारा आगंतुक विद्यार्थियों को शिक्षा प्रदान करने के कारण इसे शिक्षा का केंद्र माना जाता था। जैसे कि आज के समय में कोटा जैसे स्थान पर जहां पर कई कोचिंग के द्वारा एक विशेष शिक्षाएं दी जाती हैं, वैसी ही अवधारणा है कि तक्षशिला में कोई एक बड़ा विश्वविद्यालय नहीं था, बल्कि वहां पर छोटे छोटे अध्यापकों द्वारा अपनी अपनी संख्या के अनुरूप विद्यार्थियों को विभिन्न शिक्षाएं दी जाती थी। उस समय के गुरुकुलों पर गुरुओं के अतिरिक्त किसी अन्य अधिकारी और किसी केंद्रीय संस्था का कोई नियंत्रण नहीं होता था। कभी कभी एक एक गुरुकुल में 500 से अधिक विद्यार्थी होते थे। इस प्रकार से उन विद्यालयों को या उन गुरुकुलों को हो सकता है कि महाविद्यालय कहा जाता रहा हो और उनके एक संयुक्त स्वरूप को तक्षशिला विश्वविद्यालय बताया गया हो। तथ्यों के आधार पर हम ये मान सकते हैं कि प्राचीन समय में तक्षशिला एक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय रहा होगा। कुछ ऐतिहासिक दस्तावेज तक्षशिला को विश्वविद्यालय नहीं मानते हैं, वो इसे गुरुकुल बताते हैं और उनका कहना है कि यहाँ पर शिक्षकों के पास कोई अधिकृत सदस्यता नहीं रही होगी। उसके अलावा यहाँ पर कक्षाएं लगाने के लिए सभागार, रिहायशी मकान, पुस्तकालय भवन आदि नहीं रहे होंगे। बाद में ये स्थितियां हमें भारत के नालंदा विश्वविद्यालय में मिलती हैं। हो सकता है कि तक्षशिला में औपचारिक विश्वविद्यालय न रहा हो, लेकिन उस समय यहाँ कई विद्वानों ने शिक्षा ग्रहण किया था और यहाँ पर एशिया भर के देशों से छात्र और शिक्षक आते थे। ह्वेनशांग जब यहाँ पर आया तो उस समय तक ये विश्वविद्यालय काफी हद तक नष्ट हो चुका था। इसी प्रकार से फाययान को भी यहाँ कोई शैक्षणिक महत्व की बात नहीं ज्ञात हुई थी। वास्तव में इसकी शिक्षा विषयक चर्चा हमें मौर्य काल के बाद नहीं सुनाई पड़ती है। 5वीं शताब्दी में चीनी बौद्ध भिक्षु
फायान जब इस क्षेत्र में आता है तो उसने अपने लेख में तक्षशिला को बहुत सारे मठ वाला गहमा गहमी वाला शहर बताया था, लेकिन सातवीं शताब्दी ईस्वी में चीनी बौद्ध भिक्षु श्यान जांग जब आता है तो उसने इस क्षेत्र को वीरान और मलबे के रूप में पाया था। इन दोनों चीनी भिक्षुओं के आगमन के बीच मध्य एशिया की खाना बदोश जनजात कुर ने गंधार और पंजाब पर आक्रमण किया था। उन्होंने इतनी बर्बादी किया था कि ये शहर फिर दोबारा नहीं उबर पाया। वो शहर जिसकी समृद्ध और अवसरों की वजह से एक समय यहाँ पर हजारों लोग आते थे, इन आक्रमणों से पूरी तरह महत्वहीन हो जाते हैं। ईसा से 100 साल पहले सीतिया और ईसा से 100 साल बाद शकों ने इस क्षेत्र पर बारी बारी से अधिकार किया था। कनिष्क और उसके निकटवर्ती वंशजों ने इस पर शासन किया था और इस प्रकार से तक्षशिला को धीरे धीरे हानि पहुंचाई जाती है। लेकिन 5वीं शताब्दी में हूणों ने भारत पर जो ध्वंसक आक्रमण किया उसमें तक्षशिला पूरी तरह से नष्ट हो जाता है। वास्तव में तक्षशिला के विद्या केंद्रों के ह्रास के लिए शक और उनके यूची उत्तराधिकारियों के साथ हूणों को जिम्मेदार माना जाता है। इन आक्रमणों से ये क्षेत्र धीरे धीरे नष्ट हो जाता है और यहाँ पर बौद्ध भिक्षु धीरे धीरे दुखी अवस्था में पहुँचने लगते हैं। प्राचीन बौद्ध विहार और मठ धीरे धीरे खंडहर होते जाते हैं। असभ्य हूणों की दुर्दांत तलवारों ने भारतीय संस्कृत और विद्या के एक प्रमुख केंद्र को आज से लगभग 1500 साल पहले पूरी तरह से ढहा दिया था। आज हमें तक्षशिला के बारे में कोई ऐसे अवशेष नहीं मिलते हैं जो इनके संयुक्त विद्या केंद्र होने का प्रमाण दे सकें।